जी आप अनम्यूट करें अपना। यात्री कौन आप अपना अनम्यूट करें। पे म्यूट का ऑप्शन वहां पर हो गया। हाँ जी जी हो गया। उनका मोबाइल नंबर है आपके पास, इनका क्या नाम है, पंकज मित्तल का पंकज व्हाट्सएप, मित्तल जी। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप। हाँ मैं हरीश भाई से तो कर उनको प्रोग्राम और वो लिंक जो है ना व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिए, हो सकता है छुट्टी पे हो, घर पे हो, मेल वेल, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है लेकिन व्हाट्सएप नहीं है। मैं सर हरीश भाई से एक बार बात कर लेता हूँ कि YouTube लाइव स्ट्रीमिंग और वो सब कुछ हो गया है। ऐसा वैसे देखता हूँ कर लेता हूँ। बात ठीक अच्छा YouTube पे लाइव हो गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं YouTube पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हॉरिजॉन्टल चाहिए या ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए? कौन सा? डॉक्टर अहमद हुसैन जी जुड़ रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ऐसे रखें कि ऐसे रखें मोबाइल, वो जैसे भी रखे ठीक है, दो जैसे का भी कंफर्टेबल हो वैसे रख लें। हाँ मोबाइल ले लो। ठीक है। अब लाइव है YouTube पे ये प्रोग्राम, तो इसलिए हम अपलोड कर रहे हाँ लाइव किस पे, आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो मैं उस पे भी देख लूंगा व्हाट्सएप पे नहीं, वो YouTube पे ना। अच्छा तो आप मेल पे, मेल पे लिंक डाल दें, हम भी एक आध जगह कहीं डाल देते हैं उसको, फेसबुक ठीक है। पेज पे डाल देंगे।
Sir, shall I? I think we are waiting for Pankaj Mittalji for a minute and then. All right, sir. नमस्कार, जय स्वामी नारायण। आज के इस सुवर्ण अवसर पे जबकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एंड दिस इज द 73rd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया और सोने पे सुहागा जैसे हम बोल सकते हैं। सुबह हमने फ्लैग होस्टिंग किया, सेलिब्रेशन किया और आज हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री डॉक्टर त्रिपाठी सर की वजह से हमें एक ऐसी चीज को यहाँ पर विटनेस करने को मिल रहा है कि जो सबकी फेवरेट होती है, म्यूजिक, संगीत। बिकॉज संगीत के लिए कितना भी हम बोले कम है, क्योंकि संगीत सभी के जीवन में एक महान भूमिका निभाता है और निभाता आया है। ये हमें खाली समय में व्यस्त रखता है ये, और हमारे जीवन में शांति बनाए रखता है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि से उत्पन्न होती है वह संगीत कहलाती है और संगीत के मोहन सुर की मादकता का जीव जगत पर जो प्रभाव पड़ता है वह किसी से छिपा नहीं है। तो आज इस सुवर्ण अवसर पर जब हम यहाँ पर हमारी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं इस पावन अवसर पे, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं विनती करना चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार त्रिपाठी, कुलपति आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट गुजरात इंडिया। सर, थैंक यू डॉक्टर स्तवन जी। सभी को नमस्कार। आत्मीय विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। आत्मीय विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यस्ततम शेड्यूल्स में से आपने कुछ समय हमारे लिए निकाला और आपका मोटिवेशन सारे विश्वविद्यालयों में आपकी एक्टिविटीज हम सभी देख रहे हैं और हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं श्री श्याम परांडे जी, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रश्मि सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो आज हमारे बीच सारे महान कलाकार जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपना समय दिया और बड़े ही अल्प समय पे हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, श्री अनूप जलोटा जी, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद श्री विजय भारती, सुश्री भारती जी, चैताली छाया जी जो कि राजकोट से हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के लिए आप लोगों ने इतने अल्प समय पे समय निकाला और हमारे साथ हैं आज। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ को होस्ट और इस देश के एक बड़े ही स्थापित स्तंभ पत्रकारिता जगत के श्री ओंकारेश्वर पांडे जी जो कि हमारे को ऑर्गेनाइजर है इस प्रोग्राम के और उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट किया हुआ और सारा कोऑर्डिनेशन किया है
मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों सबका, और जितने भी लोग आज इसे व्यू कर रहे हैं, चाहे वो हमारे डायरेक्ट वेबएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, जहां से भी लाइव हो रहा है, मैं आप सब लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है वो है लोकतंत्र में संस्कार, संस्कृति और संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वर्चुअल लाइटनिंग ऑफ द लैंप से। मैं विनती करूंगा होस्ट को कि वो वर्चुअल लाइटिंग लैंप के लिए। करोति कल्याणम् आरोग्यम् धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीप प्रागट्य के बाद सबसे पहले इस कार्यक्रम में हमारे आत्मीय यूनिवर्सिटी के कुलाध्यक्ष प्रेसिडेंट परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी, जिन्होंने 1928 में ये कैंपस संभाला, तब प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज ने परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी को ये पूरी जिम्मेदारी दी, और जिम्मेदारी देते हुए कहा कि हम तो संत लोग हैं, हम साधु हैं, समाज का हमारे पे बहुत सारा ऋण है, और ये ऋण अदा करने के लिए ये सबसे अच्छा अवसर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। तब इस कैंपस में जो भी लड़का या लड़की पढ़ने के लिए आए, न कि वो सिर्फ यहाँ से अपनी पढ़ाई संपन्न करके बाहर निकले, लेकिन पढ़ाई के साथ देशभक्ति, प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति के संस्कार को भी लेकर जाए, तब जाके वो एक अच्छा मनुष्य बन सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है। अगर वो अपने लिए कुछ कर पाएगा तो वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा, और अगर अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा तो समाज के लिए कर पाएगा, और अगर समाज के लिए कर पाएगा तो वो पर्यावरण के लिए भी कर पाएगा। तो ये जो वैल्यूज इंकल्केशन की बात है यहाँ पर सिखाई जाती है, और उसका संपूर्ण श्रेय परम पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी को जाता है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वल्लभ विद्यानगर से किया था, इज गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी मैथमेटिक्स। फिर प्रगट गुरु हरिहरप्रसाद स्वामी जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई। पहले ही मुलाकात में, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई कोई सोल ऐसे होते हैं जो अपने लिए जीने यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले हजारों लाखों युवकों को दिशा देने के लिए उनका जीवन होता है। ऐसे ही हमारे त्याग वल्लभ स्वामी जी है, तो कार्यक्रम की शुरुआत में उनका एक मैसेज हमारे लिए इस अवसर पर इस प्रोग्राम में है, तो मैं विनती करना चाहूंगा कि वो मैसेज हमारे सामने प्रस्तुत करें। केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में गणतंत्र दिन पर आत्मीय यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित यह ऑनलाइन संगीत समारोह में भाग लेकर राष्ट्र को कृतज्ञता का अर्घ्य अर्पित कर रहे कलाकारों को तथा यह कार्यक्रम का आनंद ले रहे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा और संस्कार के समन्वय के द्वारा युवा शक्ति को नई दिशा एवं पहचान देना जिनका युग कार्य रहा है, ऐसे हमारे परम गुरुदेव गुरु हरि ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज का आज 6 मासिक स्मृति दिन भी है। आत्मीय यूनिवर्सिटी के यह प्रेरक के श्री चरणों में सत सत नमन। एक समय ऐसा था जब देश के लिए कुर्बानी देना, मिट जाना, फना हो जाना, यह समय की मांग हुआ करती थी। समय की उस धारा को समझकर अनेक नामी अनामी शूरमाओं ने स्वतंत्र प्राप्ति के यज्ञ में
अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हमारा आज यह समय है कि देश के लिए जीने के उठ खड़े होने की विकास प्रक्रिया में हमारे कर्मों से योगदान की आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्मस्वरूप गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज सभी के जीवन में राष्ट्रभक्ति, प्रभु भक्ति व गुरु भक्ति के समन्वय का हमेशा हमेशा आग्रह रखा करते थे। हम जो भी क्षेत्र में हैं, जहां भी हैं, ईश्वर दत्त भूमिका को समझकर उसे श्रेष्ठतम रूप से अदा करें, इससे जीवन में सार्थकता की अनुभूति होगी। यह भूमिका समझने के लिए मानवीय जीवन मूल्यों को आत्मसात करना हम सबके लिए अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा के संस्थानों में जीवन मूल्यों की शिक्षा को सम्मिलित करने का आग्रह है। यह कहते हुए हर्ष हो रहा है, स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से आत्मीय यूनिवर्सिटी एवं आत्मीय परिवार के सभी शिक्षा संस्थानों में बहुत पहले से ही मानवीय जीवन मूल्यों की शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। व्यक्ति से परिवार, परिवारों से समुदाय और समुदाय से राष्ट्र बनता है। अतः राष्ट्र के मूल में व्यक्ति यानी कि मानव है, जिनके चरित्र पर पूरे राष्ट्र का चरित्र निर्भर हो। शिक्षा के साथ मानव मूल्यों को जोड़कर मनुष्य में सकारात्मकता तथा गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारे गुरुदेव गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज आत्मीयता को हर समस्या का हल मानते थे। दृष्टि सकारात्मक होगी तो हमारे आपसी व्यवहार में भी सकारात्मकता बनी रहेगी, आत्मीयता की प्रतिष्ठा होगी और हम अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सेवा में अपना सही रूप से योगदान देने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। अंतिमवाद, भय, भूख, भ्रष्टाचार, वर्ग विग्रह आदि तत्वों की कटुता से हमारे राष्ट्र को मुक्त करने का यही एक मार्ग है। वर्तमान समय में यही सच्ची राष्ट्रभक्ति हो सकती है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के यह वर्ष में गणतंत्र दिन के मंगल अवसर पर अपने आप को राष्ट्र सेवा में पुनः समर्पित करने का दृढ़ संकल्प करें। हमारे नागरिक धर्मों का पालन करें, न्याय और व्यवस्थाओं का आदर करें, पर्यावरण को शुद्ध रखने में योगदान दें, पुनः प्राप्य ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध बनाएं। यह छोटे दिखते कदम भी हमारे देश के लिए एक दिन विराट सिद्ध होंगे। यह संगीत में प्रस्तुति के द्वारा स्वातंत्र्य वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे कलाकारों को परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी ने साधुवाद के साथ आशीर्वाद प्रेषित किए हैं। हमारा राष्ट्र प्रगतिरत रहे, मां भारती को परम वैभव के शिखर पर आसीन करने की हमारी आकांक्षा को साकार करने की क्षमता हमें प्राप्त हो, यही प्रभु चरणों में गुरुदेव गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हम सब की ओर से प्रार्थना है। जय हिंद, जय स्वामी नारायण, भारत माता की जय। खूब खूब धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी के प्रवचन के बाद जैसे ही हमारे कुलपति श्री ने बताया कि आज का जो प्रोग्राम है वो पॉसिबल हो पाया है, उसके पीछे अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है श्री ओंकारेश्वर पांडे जी, जो कि आज के कार्यक्रम के को होस्ट है और एडिटर इन चीफ द इंडियन ऑब्जर्वर पोस्ट न्यू दिल्ली। तो उनसे मैं विनती करूंगा कि आज के इवेंट का इंट्रोडक्शन हमको करें। सर जी, यू नीड टू बी अनम्यूट फर्स्ट। जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी ठीक है। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आज के माननीय अतिथिगण हैं उन सबका हृदय से स्वागत करते हैं, खासतौर से पंकज मित्तल जी, जलोटा जी मुंबई से जुड़े हैं, सम्राट और डॉक्टर रश्मि सिंह जी वाली, उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन गजलों की दुनिया के बेताज बादशाह, और विजया भारती लोक गायिका, चैताली छाया बॉलीवुड सिंगर, और भी महत्वपूर्ण लोग श्याम परांडे जी भी जुड़ने वाले हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रश्मि सिंह जी,
ज्वाइन कर गई है और मैं बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात रखूंगा, कोई खास आज भाषण का दिन नहीं है। उसके बाद माननीय डॉक्टर पंकज जी से आग्रह होगा कि वो बताएं। दरअसल हम लोग आज आज़ादी का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, सबको पता है, और ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी एक साथ ही हम मना रहे हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े इस लोकतंत्र में आज संस्कृति की, संस्कार की और संगीत कियों का ही बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, संस्कारस्य गुणाकानेन दोषापनयेनवा, तो यानी संस्कार से ही व्यक्ति गुण और दोषों के आधार पर उत्कृष्ट बनता है। एक संस्कारित व्यक्ति 16 संस्कार से संस्कारित होता है, वह एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और एक अच्छे समाज से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। और उसमें संगीत का योगदान तो प्राचीन काल से, जब से वेदों का पाठ होता रहा है, तब से चला आता रहा है। और आज हमारे बीच अनेक संगीत की महान हस्तियां उपलब्ध हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से समय निकाला है। इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा कि इस विषय पर चर्चा हम करना चाहते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट समाज में अगर हम संस्कारित समाज नहीं दे सकते, संस्कारित व्यक्ति नहीं दे सकते, तो वो लोकतंत्र और परिष्कृत नहीं हो सकता। आज का इतना ही विषय है। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। नमस्कार स्वामी जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबको हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी आत्मिया यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर श्री त्रिपाठी जी को, वाइस चांसलर शीला रामाचंद्रन जी को और ओंकारेश्वर पांडे जी को कि उन्होंने आप यहाँ आज यहाँ पे मुझे इनवाइट किया और मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से हूँ। मोस्टली यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पर शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा कल्चर के बिना अधूरी है, क्योंकि कल्चर के साथ ही शिक्षा का जुड़ाव है। इसीलिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक साथ ही थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत को जब हम कहते हैं कि भारत सबसे यंग देश है, यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, हमारी एवरेज एज 29 इयर्स है, तो हमारा भविष्य हमारे छात्र हैं, और छात्रों का जब तक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में कल्चर का साथ बहुत ज़रूरी है। पर हो क्या रहा है इस समय कि हमारे बहुत सारे बच्चों को कल्चर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। मतलब जो हम कहते हैं कि किसी बच्चे से पूछो व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, इंडिया में अगर आप हो किसी इंडियन बच्चे से पूछो व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, तो वो सोचते हैं कि व्हाट आर वी प्राउड ऑफ, वी आर प्राउड ऑफ बॉलीवुड, वी आर प्राउड ऑफ क्रिकेट, दे डोंट इवन नो अबाउट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ अवर कंट्री। हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी जितनी समृद्ध संस्कृति है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि आत्मीय यूनिवर्सिटी ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें विविध कलाओं के लोग, जैसे गजल सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, सामने बैठे हैं चेताली जी हैं, उस्ताद अहमद हुसैन जी हैं, विजया भारती जी हैं, कोई फोक म्यूजिक से है, कोई प्लेबैक सिंगर है, कोई गजल है, हर तरह के लोग आपने जमा किए हैं, जिससे कि बच्चों को पता चले कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो इस तरह की बातें जो इतनी ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, पर बहुत बारी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी स्पेशली कहा गया है कि बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उनको ग्लोबल सिटीजन बनाना है, उनको अपने कल्चर से रूबरू करना है, उनको कल्चर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस में बच्चों को कल्चर के अलग अलग आयामों से अवगत कराएं, उनको बताएं कि हाँ क्या हो रहा है। हम AIU में, हम भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो एकेडमिक्स, रिसर्च, स्पोर्ट्स तो करते ही हैं, स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा आयाम है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का, पर कल्चर में भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। हम जोनल यूथ फेस्टिवल्स करते हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन यूथ फेस्टिवल करते हैं और इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल्स करते हैं, जिसमें कि बच्चों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिले। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से दिक्कत ये हो रही है कि कोरोना हो गया तो रूबरू एक दूसरे के सामने नहीं कर पा रहे, तो जिस तरह से आप ऑनलाइन की मदद ले रहे हैं, हम भी ऑनलाइन की मदद लेके हमने एक
प्रोग्राम किया पिछले साल, उसका नाम कोरोना भी हमने रखा, कुछ आर्टिस्टिक कोरोना, तो उसका प्रोग्राम का नाम था कुछ आर्टिस्टिक कोरोना। और उसमें हमने बच्चों को कहा कि आप घर पे बैठे बोर हो रहे हो क्योंकि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद हो गए हैं, जो इंट्रैक्शन कैंपसेस में होता था बच्चों का वो नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ ऐसा करो कि अपने अपने प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हमने सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया और आपको हैरानी होगी कि एक हफ्ते में करीब 500 यूनिवर्सिटी से 2500 एंट्रीज हमारे पास आई। तो इतना इंटरेस्ट था कल्चर में बच्चों का, इतना उनको, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल्चर के थ्रू बच्चों को जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है वो शायद कहीं छूट रहा था। तो ये जरूरी है कि हम अपनी कल्चर को से बच्चों को अवगत कराएं, ये जरूरी है कि हमारी संस्कृति के खजाने को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, ये जरूरी है कि हमारे देश के महान लेखक, कलाकार, सांस्कृतिक कर्मी, गायक, गायिकों के बारे में बच्चों को बताया जाए और हमारी हम और उन्हें हमारी शानदार सांस्कृतिक विरासत पे गर्व हो। इसीलिए हमें बच्चों को सिखाना है कि आपको अपनी जड़ों को भूलना नहीं है, वो जड़ें ही हैं जो आपको चमक प्रदान करेंगी, वो जड़ें ही हैं जिनसे आप जुड़े रहेंगे तो आप देश को आगे ले जाएंगे। और जो हम ये सपना देखते हैं कि हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, भारत एक विश्व गुरु होगा, वो तभी होगा जब हम बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखेंगे। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ आत्मीय यूनिवर्सिटी का कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो कि बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए, सभी यूनिवर्सिटीज को करते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर। रश्मि सिंह जी से इससे पहले कि अनुरोध करूं, करूंगा विजया जी से कि वो विजया जी अनूप जलोटा जी के बारे में दो शब्द कहें, परिचय कराएं थोड़ा। हम लोग चाहते हैं कि ये मिक्स हो, सिर्फ भाषणों का वो नहीं। आज हमारे बीच इतने महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद हैं तो उनसे दो शब्द हमें सुनने का मौका मिले और फिर हम आगे डॉक्टर रश्मि सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि बात रखें। विजया जी, आपसे अनुरोध है कि आप अनूप जी को का स्वागत करें और दो शब्द के साथ से आग्रह करें कि बात रखें। नमस्कार सभी लोगों को और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई के साथ मैं लोक गायिका विजया भारती आप सबों का स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे विद्वत जनों के साथ आज उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है और बहुत 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 हर्ष का विषय है मेरे लिए कि आज श्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी, गजल के उस्ताद श्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। मैं आप सबों का स्वागत अपनी तरफ से करते हुए इसलिए कर रही हूं कि मैं एक फोक आर्टिस्ट हूं। ये अलग बात है कि मुझे सुनना हमेशा आप दोनों को ही अच्छा लगता है या आप जैसे कलाकारों को ही सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक फोक कलाकार हूँ और आपकी विधा बहुत दुरूह है। अनूप जलोटा जी, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपकी विधा बहुत दुरूह है। जी मैं सुन रहा हूँ। जी जी, बहुत कठिन विधा है। आप भजन उसी कुशलता से गाते रहे हैं, तब से सुन रही हूँ, जब से हमने थोड़ा थोड़ा मतलब गुनगुनाना शुरू किया था तब से ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो दूसरी तरफ जाम चलने लगे, दिल में चलने लगे, चेहरे चेहरे पे रंगे गुलाब आ गया, तो वो बस दिमाग में जहन में तब से गूंजता रहा है। मैं आपका बहुत बहुत अनूप जी स्वागत करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और आपके साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ उस्ताद अहमद हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन जी का, जो गजलों के मामले में इतना एक विशेष धारा रखते हैं, एक विशेष गायकी का हुनर रखते हैं कि जिनको सुन के आदमी तड़प उठता है, वाह वाह कर उठता है और नकल करना तो खैर असंभव ही है खास करके हम जैसे कलाकारों के लिए, लेकिन हाँ दिल को सुकून जरूर मिलता है जब हम आपको सुनते हैं और जब 10-20 की भीड़ में कुछ विशेष सुनने का मन करता है गजलों के मामले में तो हम
अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी की तरफ बढ़ते हैं, तो आइए आज इन दोनों कलाकारों, दोनों भाइयों का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत 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 प्रसन्नता के साथ स्वागत करती हूँ अनूप जलोटा जी का और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का और गजलों के उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी का। मैं अनुरोध करूंगा भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी से कि वो शब्द कहें। थोड़ा कैमरा अपना सीधा कर लेंगे फेस और ऊपर आ जाएगा। मैं दिखाई नहीं दे रहा कहीं शायद। जी, 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 जी। अब ठीक है, अब ठीक आ गया। मैं अपने को नहीं देख पा रहा हूँ जी, एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। मैं हम सब लोग आपको देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। टेक्निकल टीम से आग्रह है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं नजर आ रहा खुद को। मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा और संस्कार ये दो साथ में इतना आवश्यक है टुगेदर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन वो जब बोलता था तो गालियां बहुत देता था, समाप्त हो गई बात। अब उसकी विद्या धरी की धरी रह गई, क्योंकि जाके उससे कोई मिलेगा ही नहीं। तो एक लाइन में ये बात क्लियर हो जाती है कि विद्या के साथ में विनय भी चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम्। अगर हम विद्या के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं रखेंगे तो बात बनेगी नहीं। मैंने बचपन में जब गाना अपने पिताजी से सीखना शुरू किया तो मैंने पिताजी से ये पूछा कि ठीक है आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं इस क्षेत्र में आऊंगा, थोड़ा नाम भी कर लूंगा, लेकिन रियल सक्सेस कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो बड़ा आसान मंत्र है सक्सेस पाने का। मैंने कहा वो क्या है? कहने लगे अगर तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी प्रतिभा 19 है और तुम्हारा व्यवहार 20 है तो तुमको रिजल्ट मिलेगा 21, और अगर तुम्हारी प्रतिभा 21 है, तुम्हारा व्यवहार 20 है तो तुमको रिजल्ट मिलेगा 19। अब देखिए दोनों चीजें कितनी मिल गई कि अगर इन दोनों में एक की भी कमी हो गई बात बन नहीं पाएगी। तो मैंने पिताजी से कहा कि आग्रह है कि कृपया वो बाकी लोगों को म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। टेक्निकल टीम से आग्रह है कि कृपया बाकी लोगों को म्यूट कर दें, क्योंकि वो सब लोग ऑर्डर कर रहे होंगे दाल बनाओ, रोटी बनाओ, चावल बनाओ, वो सब आ जाएगा इसमें। तो मैं ये कह रहा था, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ अनूप जी। जी इस दशकों से हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ आवाम आपके भजनों से अपना सुबह जो है वो प्रातः शुरुआत करती रही। जी जी। और सबके दिलों में, सबके गले में, सबके दिलो दिमाग में जो है आपके स्वर गूंजते रहे हैं। एक आध लाइन अपनी जो सबसे फेवरेट, जो आप खुद को लगता है कि आप सुबह उठें और अपने असंख्य भजनों में से या उसमें से या गीतों में से कोई जो आपको गुनगुनाना अच्छा लगता हो, हम लोगों को अच्छा लगेगा कि एक दो। सुनिए, मैं आपको अपना सबसे प्रिय और सबसे पॉपुलर भजन सुनाता हूं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत बहुत धन्यवाद 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 आपको धन्यवाद मुझे अवसर दिया आपने बहुत सुंदर बहुत क्या बात है थैंक यू इजाजी थैंक यू क्या मन गदगद हो गया आपको सामने से सुन के बहुत अच्छा बहुत बढ़िया जी आपसे अनुरोध है कि आप उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का भी साथ साथ परिचय कराएं और हमारे बीच में आदरणीय श्याम परांडे जी भी उपस्थित हो चुके हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं हम लोग उनके आशीर्वचन भी सुनेंगे श्याम परांडे जी संघ के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और सेवा भारती इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद दोनों के महासचिव हैं पीआईओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक भी हैं उसके महासचिव आदरणीय श्याम परांडे जी का हम स्वागत करते हैं उससे पहले मैं विजय जी से निवेदन करता हूं कि वो थोड़ा सा उस्ताद अहमद हुसैन और महमद हुसैन जो कि बहुत फेमस गजलकार हैं जिस तरह से जलोटा जी को लोग भजनों से सुनते आ रहे हैं उसी तरह गजलों की दुनिया में उन दोनों का आप दोनों का बहुत ही जबरदस्त नाम है मैं निवेदन करता हूं कि आप उन्हें आमंत्रित करें और उनसे दो शब्द के लिए मैं तो पहले हृदय से उनका नाम लेते हुए स्वागत कर चुकी हूं अनूप जी के साथ साथ अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी का और अभी मैं आज के इस पावन गणतंत्र दिवस के दिन आपका स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ और बहुत बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आज हम सब एक साथ हैं और आपसे मिलने का आपको सुनने का संक्षिप्त में ही सुनने का जो भी हमारे पास अभी माध्यम साधन मौजूद है मंच मौजूद नहीं है इस कोरोना काल में लेकिन जो माध्यम मौजूद है उस माध्यम से ही हम आपको सुन सकते हैं थोड़ा ही सुन सकते हैं इस बात की खुशी है तो मैं बहुत दिल से खुशी के साथ पवित्रता के साथ प्रसन्नता के साथ भाई अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी को आमंत्रित करती हूँ आप अपना वीडियो ऑन कर लें उस्ताद हुसैन साहब आप सुन पा रहे हैं तो आप ऑडियो पर जवाब दें आपका ऑडियो म्यूट है आप अनम्यूट कर लें कर। आप अपना ऑडियो वीडियो अनम्यूट कर लें उसको ऑन कर लें और आपका स्वागत करते हैं आप कुछ शब्द कहें उस्ताद अहमद हुसैन साहब शायद कुछ तकनीकी समस्या है तब तक कार्यक्रम करते हैं रवि जी से ही करते हैं कि तब तक वो कुछ एक राष्ट्रभक्ति से संबंधित कोई गीत सुनाए कुछ विजय जी आपका ऑडियो म्यूट है जी जी जब तक उस्ताद अहमद साहब का टेक्निकल वो ठीक हो रहा है तब तक मेरा आग्रह है कि आप ही कुछ सुनाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पैताली छाया जी भी हमारे बीच हैं।
जी फोक के तो बहुत रंग है, लोक संस्कार संस्कृति की बात है तो उसमें तो सारे संस्कार सारे पर्व त्योहार ऋतु अवसर के गीत हैं। लेकिन आज जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, गणतंत्र का त्योहार है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं अपने फोक की भाषा में एक देशभक्ति गीत सुना रही हूँ। और इस गीत की रचना भी मैंने खुद की है, धुन भी खुद कंपोज किया है। तो आइए आप जैसे गुणी जनों के सामने मैं प्रस्तुत करने की बिल्कुल हिमाकत कर रही हूँ। इतनी अच्छी प्रस्तुति करी कि सभी लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हो गए हैं। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं हमारे विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर और बहुत ही प्रख्यात देश की शिक्षा में प्रोफेसर डॉक्टर शीला रामचंद्रन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुरोध करता हूँ श्री ओंकारेश्वर जी से और डॉक्टर स्तवन जी से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैडम दो इससे पहले श्याम परांडी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वीडियो ऑन कर दें। वो आ गए हैं श्याम परांडी जी। इससे पहले कि मैं आपसे आग्रह करूं, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी से आग्रह करता हूं कि दो शब्द कहें। डॉक्टर रश्मि सिंह जी दिल्ली सरकार में विशेष सचिव हैं। महिला उत्थान के मामले में सरकार को प्रशासन को दुरुस्त करने का और दिल्ली से
अंडमान तक विमेन एम्पावरमेंट को सरकार के भीतर रह के उसको उठाने का, उसको मजबूत बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही हमारी विशेष सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप दो शब्द कहें। नमस्कार ओंकारेश्वर भाई, और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे मौके पे एक जो मैं बहुत पावन अवसर मानती हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं और आज का ये राष्ट्रीय पर्व, इस दिन आपने हम सबों को जोड़ा है। और मैं विजया भारती जी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल उनका जन्म दिवस है, और तो ये दो पर्व एक साथ जुड़ गए, एक तो सामूहिक पूरा राष्ट्रीय पर्व और दूसरा उनका व्यक्तिगत, और उसमें कला की दुनिया और इतने अच्छे अच्छे कलाकार। तो मैं आत्मीय यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस विश्वविद्यालय के इस ऐसे तो हम कहते हैं कि प्रांगण में, लेकिन ये एक नया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, प्रांगण एक दूसरी तरह के प्लेटफॉर्म में बदल गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आपने हम सबों को जोड़ा है और यहाँ सुनने का मौका मिला अभी अभी। मुझे पता नहीं है कि गजल सम्राट अनूप जलोटा जी अभी भी जुड़े हैं कि नहीं, लेकिन मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और जब भी यह सुनती हूँ मीरा की, उनकी जो अभी उन्होंने जो धुन और जो गीत सुनाई है, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जब भी सुनती हूँ मन नहीं भरता है, और सवेरे सवेरे जरूर ऐसे भी सुनने का प्रयास करती हूँ। और यही तो संगीत की दुनिया है, और आज जहाँ पर हम और भी बहुत अच्छे कलाकारों को सुनने वाले हैं, उस्ताद अहमद हुसैन जी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अभी विजया भारती जी, जिन्होंने थोड़ी सी माँ भारती के ऊपर अपनी जो एक कुछ पंक्तियां सुनाई, छाया चैताली छाया जी जुड़ी हुई है, तो उन सबों को अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ कि जब हम संस्कार संस्कृति और संगीत की बात करते हैं, जहां पर अभी मैंने देखा कि श्री श्याम परांडे जी जो कि आपके बीच में हैं, और सेवा भारती और दूसरा की अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद दोनों के साथ में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, तो जिस सेवा की हम बात करते हैं, जिस सहयोग की हम बात करते हैं, तो यही तो हमारी संस्कृति है, हमारे पूरे भारत की संस्कृति की सेवा है, सहयोग है, एक समन्वय है। और आज के दिन आपने संगीत के माध्यम से संस्कार और संस्कृति लोकतंत्र लेकर आए हैं, इससे अच्छा क्या रहेगा कि गणतंत्र दिवस आजादी का जो हम 76वां अपना हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और संगीत के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यह जो पूरा कार्यक्रम है उसमें संगीत का जो आपने माध्यम बनाया है, संगीत जैसा कोई सशक्त माध्यम नहीं हो सकता है अपनी अभिव्यक्ति का, विचारों की अभिव्यक्ति तो है ही, सबसे कहीं ज्यादा भाव की अभिव्यक्ति, और सबसे ज्यादा यदि राष्ट्रीयता के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए, अपने कर्तव्य बोध के लिए यदि आज कुछ करना है, उस अपने अंदर भाव लाना, एक जड़ से चेतन मन की तरफ जाना, और संगीत वह सब कुछ लेकर आता है, संगीत दिलों को जोड़ता है, तो आज जरूरत है उस जुड़ाव को महसूस करना, हम अपने आप के साथ में भी और साथ ही अपने पूरे देश के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। यही सही मेरे मुझे लगता है कि हमें आज के देना है, गीत से सीखते हैं, जिस संस्कार की हम हैं है, और अपने रोजमर्रा की हमारे भाव से, हमारे विचार से, हमारे कार्य से, हमारे कर्मों से, सबसे यह जो है, जो भी हम अपने आप में प्रण करते हैं आज के दिन, कि हम इस भाव को सिर्फ अपने अंदर ही नहीं करें, बल्कि आसपास जो है, हम मुझे पता है कि बहुत सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं, शिक्षकविद जुड़े हुए हैं, मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, ओंकारेश्वर जी बहुत बड़ा काम इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं आप, तो हम सब यह विचार अंदर रखें, भाव
बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामना आगे के कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। मैं अनुरोध करूंगा कि श्री श्याम परांडे जी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द आशीर्वचन के तौर पर। जी सभी को नमस्कार। और आत्मीय विश्वविद्यालय जिन्होंने आज यह कार्यक्रम आयोजित किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक उपकुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी जी, मेरे मित्र साथी ओंकारेश्वर जी, अन्य सारे महानुभाव, जैसे अभी हमने प्रारंभ में श्रीमान अनूप जी जलोटा को सुना जो भक्ति संगीत के सर्वोच्च स्थान पर है, आज डॉक्टर रश्मि सिंह जी आज हमसे जुड़ी हुई है, तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह हमने देखा भारत के प्रगति का, भारत के सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और उससे भी बढ़कर सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन। भारत को सॉफ्ट पावर कहा जाता है कारण भारतीय संस्कृति आज जगभर में आज जिसका बोलबाला है, ऐसी संस्कृति है। अनादि काल से एक राष्ट्र के स्वरूप में यह संस्कृति उभरी है और इसके इसका लाभ जगह के सभी देशों में पाया जाता है। इसका प्रभाव जैसे है, और मैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद का काम करता हूं या तो सेवा इंटरनेशनल का काम करता हूं, तो ये सारा जो भारतवंशी भारत के बाहर बैठे हुए हैं, जिसको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, जो विश्व भर में डायस्पोरा सबसे बड़ा डायस्पोरा, सबसे प्रगतिवान डायस्पोरा इस तरह से माना जाता है, वो इसलिए है कि वो अपने संस्कृति से पिछड़े नहीं है, वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आज के इस गणतंत्र दिवस में भी 100 से अधिक देशों में ये दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति की विशेषता सेवा है, ये डॉक्टर रश्मि सिंह जी ने बताया, तो बिल्कुल सही है। कारण भारतीय डायस्पोरा जी की बात कर रहे हैं, मैं समस्याओं की चिंता न करते हुए स्थानिक समाजों की सेवा भारतीय डायस्पोरा ने की है। वैसे ही जब इस वर्ष यानी 2021 में गत वर्ष भारत में सेकंड वेव का बड़ा कहर आया हुआ, तो जगभर में जहां जहां डायस्पोरा है, भारतीय लोग बसे हुए हैं, वो त्वरित उन्होंने सहायता करने के लिए तरह तरह से प्रयास किए और बड़ी मात्रा में सहायता भेजी है। तो ऐसा यह डायस्पोरा है जो अपने साथ है, और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्ष हम जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं, तो अगले वर्ष भर हम फिर केवल भारत में नहीं, जहां जहां डायस्पोरा फैला हुआ है वहां सब जगह कार्यक्रम मनाएंगे, हम सबको साथ में लेकर मनाएंगे। कारण डायस्पोरा का आज जैसे हम बात कर रहे हैं, वैसे ही स्वातंत्र युद्ध में भी इनका बड़ा
कंट्रीब्यूशन था। लंदन में इंडिया हाउस था, यूएस में गदर वाला था और सारे साउथ ईस्ट एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बोलबाला था सब तरफ से। और महात्मा गांधी ने दर्बन दक्षिण अफ्रीका से तो इस तरह से यह डायस्पोरा बड़ा एक्टिवली काम करता रहा। और इस वर्ष हम साथ मिलकर अपने आजादी के 75 वर्ष मनाए। मुझे बहुत आनंद है कि यह कार्यक्रम संगीतमय है, संस्कृतिमय है, कारण संस्कृति, भाषाएं और संगीत ये अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। और सारे विश्व भर में आज लोगों को अचंभा होता है कि इतनी विविधता के साथ ये देश एक देश बनकर खड़ा है और पहले सेवा करने को तत्पर रहता है। तो ऐसे इस समाज को मेरा नमन। आजादी के 75 वर्ष के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को नमन करता हुआ मेरे वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्याम परांडे जी आपके आशीर्वचनों के लिए। इससे हम सभी हमारे बीच हैं हमारे विश्वविद्यालय की प्रो चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शीला रामचंद्रन जी। आई वुड रिक्वेस्ट मैडम टू शेयर हर व्यूज। मैडम अनम्यूट जी। और से Yes, we can hear you. Hear you. Can you hear me? Yeah, yes, we can hear you, Dr. Sheila ji. Ji. Ma'am, I just would like to request you, sorry to interrupt you, ma'am. You please switch off your video so that we can balance the bandwidth. Is it okay? I think you go to next. Yes, and, Vice Chancellor. Yeah. It's okay. Okay. So this is a wonderful initiative being taken up with the Indian Post as well as Atmi, because we are unable to hear you. Okay, so by the time we take the program forward, Dr. Yes, sir. हमारे बीच ऐसे ही young and very talented ऐसे singer चैताली छाया जी हमारे बीच उपस्थित है। खुशी की बात यह है कि she also belongs to Rajkot itself. और उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी साहब की जो योजना थी वतन प्रेम योजना उससे लेकर स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सॉन्ग फिर ड्रीम गर्ल मूवी आया था उसमें और गुजराती मूवीज जैसे हाँ पटेल छू जीवी लेने यार शॉर्ट फिल्म लाइक क्रमशः राधे राधे सॉन्ग
एंड सभी में प्लेबैक सिंगिंग किया है और शी वाज मोस्ट प्रॉमिसिंग अपकमिंग प्लेबैक सिंगर अवार्डेड इन 2021 बाय बीटीवी और लास्ट जो गिरनार लिटिल सूर संगम डीडी गिरनार पे हुआ था कंपटीशन वहां पर वो फाइनलिस्ट रहे थे ऐसे चैताली जी हमारे बीच हैं उनसे हम विनती करेंगे कि आज इस अवसर पे हमारे साथ आए Good evening, everyone. Properly, you can properly hear me, no? Yeah. Good evening, everyone. First of all, wishing all of you a very happy Republic Day. Today, I'm very, very thankful to Sri Tripathi ji and the management of Atmiya University for giving me this amazing चांस कि आज मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ शुरू करने से पहले माय नमस्कार श्री त्याग बल्लभ स्वामी जी एंड ऑल द गुणीजन हियर क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ पे जो भी उपस्थित है सब मेरे गुरुजन है मैं सिर्फ 19 साल की हूँ और तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो भी मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ तो जो भी अच्छी चीजें आए वो आप सब गुणीजनों की और जो भी खामियां हैं वो मेरी सो सबसे पहले मैं गुरु हरि श्री हरिप्रसाद स्वामी जी के ब्लेसिंग्स लेके शुरू करना चाहती हूँ तो एक भजन आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मेरा आपकी वो कृपा से सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम करते गुरु जी मेरा नाम हो रहा करते जी मेरा नाम मेरा सब काम मेरा आपकी कृपा सब काम पतवार के मेरी लाभ चल रही पतवार के
तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल करते हैं गुरु हरि जी मेरा नाम करते गुरु हरि जी मेरा नाम मेरा सब का सब का सब का थैंक यू सो मच. अभी जबकि हम सब हमारा 73rd रिपब्लिक डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम सबके चहेते कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी मैं आप सबके सामने पेश करना चाहूंगी. चैतली आप माइक से थोड़ा नजदीक रहिएगा. माइक से थोड़ा नजदीक जी बिल्कुल जी. ओके
Now is it clear? Yes, very much clear. Yeah, okay. हर सर फक्र से ऊंचा तेरी शान की हर एक जान मेरी सभी अफसोस ने जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी सभी कटता है जो आवाज ना जी क्रैक एकदम सॉरी साउंड कट हो रहा है थोड़ा सा little bit but it's I think it's fine yeah if you can put your mic near to you meri sab afsos ne jo tere liye sadar se mehfooz rahe teri aan sada chahe jaan meri rahe na rahe meri sab भारत हमको जान से प्यारा सबसे प्यारा देश हमारा भारत हमको जान से प्यारा सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा सदियों से भारत भूमि दुनिया किसान है भारत माँ के शावे जीवन है स्थान नाम हमारा सबसे देश हमारा भारत हमको जान से प्यार सबसे
देश हमारा है, जीड़ा जीड़ा खुला माई तेरी चोलरिया लहराए, जीड़ा जीड़ा खुला माई तेरी चोलरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूपने जीड़ा जीड़ा उड़ा गुलाल, माई तेरी चोलरिया लहराए, ओ जीड़ा जीड़ा उड़ा गुलाल, माई तेरी चोलरिया लहराए, जग से हारी नहीं मैं, खुद से हारी, एक दिल चमकोगे लेके तेरी रास्ता मायरे तुझे दिल में तो रही हो, मायरे मायरे मुझसे ही लूटी है मेरी परछाई, जीड़ा जीड़ा उड़ा गुला माई तेरी चोरी लहराई, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है, लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई, जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराए, वंडरफुल धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद चैताली जी, इट वॉज रियली फैंटास्टिक। और अब मैं विनती करना चाहूंगा विजया भारती जी से कि आज के इस रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में कुछ पेट्रियोटिक आपकी ओर से भी अगर हमें सुनने को मिले तो हमारी विनती है आपसे। विजया भारती जी
बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और चैताली का गाना बहुत अच्छा लगा, चैताली को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और आज के थैंक यू सो मच कार्यक्रम में जब देशभक्ति की बात हो रही है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और वहां का राष्ट्रीय गीत माना जाने वाला जो गीत है रघुवीर नारायण सिंह जी का लिखा हुआ बाबू का, मैं उस गीत को की दो चार पंक्तियां सुनाती हूँ। गीत तो बहुत बड़ा है। सुंदर है तरफ से अपनी एक भावना इस मौके पर इस माध्यम से अपने अंदर से बाहर निकालना चाहती हूँ। हमारे देश की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी अस्वस्थ हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए अपने तमाम देशवासियों की उनके प्रति सुंदर और पवित्र आस्थावान भावना के साथ इस दो पंक्तियों से आज के कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। इसी के साथ मैं लोक गायिका विजया भारती, आप सभी जुड़े हुए लोगों का, गुणीजनों का, बड़े लोगों का, यूनिवर्सिटी के लोगों का, कलाकारों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आज के दिन की पुनः एक बार शुभकामना देती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद विजय भारती जी, आपकी जो प्रार्थना है वो हमारी सबकी भी प्रार्थना है, क्योंकि लता जी हमारे लिए भी इतना ही सर्वोच्च स्थान हमारे जीवन में बनाए रखे हैं उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से। विशेष आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमें पता है 28 तारीख को आपका प्रागट्य दिन है, आपका जन्मदिन है। उस अवसर पे मनोज तिवारी जी ने एक वीडियो संदेश भेजा है, मैं विनती करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर प्ले किया जाए। विजय भारती जी आपका नमस्कार, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता चला 28 जनवरी आपका जन्मदिन है और आप एक शानदार आर्टिस्ट हैं। हमने तो आपके न जाने कितने परफॉर्मेंस देखे हैं, सुने हैं, साथ में परफॉर्म किया है, तो इस नाते भी आपको विशेष शुभकामना। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, प्रसन्न रहिए, आप पूरा परिवार मिलके खूब अच्छे ढंग से आपका जन्मदिन मने। कोविड की गाइडलाइंस है, फिर भी अपने स्तर पे इसको आप खूब बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। हमारे तरफ से आपको पुनः जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आदरणीय विजया भारती जी। विजया जी पूरी आत्मीय यूनिवर्सिटी की ओर से यहाँ पर हमारे प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार और सभी फैकल्टीज के, मतलब कि सभी स्कूल्स के फैकल्टीज भी यहाँ पर उपस्थित है इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में, और हम सब भी आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। मैं नाउ रिक्वेस्ट ओमकारेश्वर जी, आप इस कार्यक्रम का संचालन करें आगे। धन्यवाद डॉक्टर सत्वर पटेल जी, आपने बहुत शानदार तरीके से आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर सिंह जी का, अल्प समय में कार्य किया और डॉक्टर श्याम परांडे जी इस समय लगातार व्यस्त चल रहे हैं, बावजूद इसके व्यस्तता के बीच हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला जा चुका, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी का, जो इस देश के करोड़ों करोड़ों के जहन बसे हुए हैं कि आवाज से हमारी सुबह होती से समय डाला और उस कार्यक्रम में शामिल। सम्राट अनूप जलोटा जी बात करना चाहता हूँ। उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन इस देश के जाने माने गजल गायक सम्राट माने जाते हैं, लोगों ने भी कोशिश की, वो एक बार जुड़ गए थे, टेक्निकल कुछ शायद वो सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, कोशिश की उनके साथ जुड़ने की। विजया देश की जानी मानी लोक गायिका भी हैं, 2 साल पहले प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और पोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने आमंत्रित किया था, पत्र लिखा था, भाषाओं गाती में उनका आज जन्मदिन के अवसर देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय निकाला चैताली छाया जी ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने सुरों से सजाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर शिव त्रिपाठी, आपका धन्यवाद करने की मैं औपचारिकता निर्वहन नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस आत्मीय विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हैं स्वामी जी का, आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी को, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आशीर्वचन हमारे बीच आए और इन्होंने इस कार्यक्रम गौरवान्वित किया। मैं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और बाकी जो विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जो उपकुलपति और दूसरे लोग जो दूसरे वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में उपस्थित, मैं उन सब लोगों का
से धन्यवाद करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर शिव त्रिपाठी जी से शब्द इस कार्यक्रम का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओंकारेश्वर जी। मुझे अब ज्यादा कुछ कहना नहीं है, हम लोग समापन के बिंदु पर हैं कार्यक्रम के। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इतने अल्प समय में इतना सफल आयोजन किया और साथ मूल रूप से सारे कलाकारों का कि जो हमारे अनुरोध पर अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा करी और उस पर हमने अनुरोध किया और वो तुरंत तैयार हुए। सभी ने अपने अपने जगहों पे अपनी अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल कर आज इस पावन अवसर पर सभी को प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया है उसके धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अनूप जलोटा जी, विजया भारती जी, चैताली छाया जी और उस्ताद अहमद जी, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी चीज की शुरुआत करी है कि संस्कृति और उसमें संगीत, और इसको हम आगे और लेकर चल सकें। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस पर शोध हो, इस पर कार्यक्रम हो, इस पर प्रोग्राम्स चलें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा आगे बढ़ेगा। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद इस विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। मैं अब अनुरोध करूंगा ब्रह्मस्वरूप हरिप्रसाद महाराज जी के स्मरण के साथ और परम पूज्य त्याग बल्लभ स्वामी जी के स्मरण के साथ कि इस कार्यक्रम को हम लोग अब समाप्त करें। नमस्कार।